बच्चों 12.2 छठा सवाल, ये डिस्टरबेंस हो गया था, फोन आ गया था पिछली बार। तो अब क्या करा हमने, यहाँ पर एक आकृति दी गई है और इसमें ये जो पंखुड़ियां हैं इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब उत्साह के साथ फिर से आगे बढ़ा जाए। एक ये वर्ग है जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर और इसकी प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचे गए हैं और इन पंखुड़ियों को छायांकित कर दिया गया। आपसे कहा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो हमने आपसे बताया था कि हम लोगों ने एक तीसरा प्रश्न प्रश्नावली में करा था जिसमें केवल इतना प्रश्न था, तो इसी की सहायता से इसको करेंगे। ये मान लीजिए वर्ग वही है हमारे पास पुराना वाला 10। स्टेप बाय स्टेप पहले हम ये देखेंगे कि चित्र ये वास्तव में बनाया कैसे गया है। ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। एक बार हमने इस भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, सभी 10 होंगी, और एक बार इसको व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा तो ये 2 अर्धवृत्त मिल गए। तो इन इन दोनों भागों को अगर छायांकित कर दें तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे। अब इससे आकृति इसका 1 / 2 का क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से हमने स्प्लिट कर लिया फिर से चित्र को। अब की बार इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त, तो 3 / 3 और भाग 4 आ गया। तो इस भाग 3 और भाग 4 का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी वही काम करा जाएगा कि भाई इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, 2 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे और ये दोनों क्षेत्रफल एक ही आएंगे। तो उसके बाद हम लोग आगे पहुंच गए थे, हमने फिर 1 / 2 का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास किया। तो ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल √2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इससे 1 / 2 का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसी प्रकार से हम 3 / 4 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास 1 / 2 / 3 / 4 का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम अपने पहले वाले प्रश्न में आएंगे, चित्र में आएंगे। अब हमारे पास ये भाग 1 है, ये 2, ये 3 और ये फाइनली 4। तो 1 / 2 / 3 / 4 का क्षेत्रफल को हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 / 2 / 3 / 4 का क्षेत्रफल घटा दें तो केवल जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उस दिशा में हम लोग आगे भी बढ़ चुके थे। 1 / 2 का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल √2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग 10 का वर्ग, और √2 × πr² / 2। 2 से 2 कट गया, पाई का मान 3.14, आर का मान होगा 25, 5, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी भुजा बच्चों 10 है, व्यास 10 है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 5। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पर जो डायमीटर होगा वो 10, तो रेडियस हो जाएगी 10/2 अर्थात 5। उसके बाद इसका गुणा कर लिया, घटाने जा रहे थे तो हमने आपको घटाने के लिए ये बताया था कि कई बार बच्चे घटाने में मिस्टेक करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव नहीं रखते हैं। तो बस हमें ये रखना चाहिए, जैसे 100 में से हमें 78.50 घटाना है तो 100 में दशमलव नहीं है, तो 100 के बाद अपने में से दशमलव लगा लो 2 और फिर इस दशमलव को इसके नीचे रख दो और जैसी संख्या लिखी वैसे उतार दो। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब घटाएंगे तो 0 से 0 हासिल लिया, तो 10 में 5 घटे 5, यहाँ पे 9 आ गया होगा, 9 में 8 घटे 1, और यहाँ पे 9 आ गया होगा तो 9 में 7 घटे 2, तो हमारे पास ये आ गया है 21.50। तो जो 1 / 2 का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, तो अब लिखेंगे खाली हम इसी प्रकार और सीधे आंसर फाइनल लिख देंगे। टूटा कि बचा, बच गया, ठीक। तो अब लिखेंगे सिमिलरली या इसी प्रकार किसका क्षेत्रफल, 3 / 4 का क्षेत्रफल बराबर भी क्या आ जाएगा, 21 दशमलव, ये सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर, 21.50 सेंटीमीटर² अब इसको हमने माना था, ये 1 / 2 का क्षेत्रफल आ रहा था, तो यहाँ पर पहले इसको बिगाड़े जो घटाया हटाया है, फिर ये समीकरण के रूप में दिखेगा। ये हमारे पास आ गया है 1 / 2 का क्षेत्रफल, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरणों को बच्चों जोड़ देंगे, तो दाएं भाग में दाएं भाग जुड़ जाएंगे और बाएं भाग में बाएं भाग जुड़ जाएंगे, तो अभी हो जाएगा 1 / 2 / 3 / 4 का क्षेत्रफल बराबर 21.50 / 21.50, 21 दुनी 42 और आधा 43।
तो 43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब फाइनली लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल ऋण 1 × 2 × 3 × 4 का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग, भुजा वर्ग की 10 है और ये 43 आया है हमारे पास, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और माइनस 43, तो ये फाइनली आ जाएगा 57 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए आ रहा है आंसर, समझ में आ गया सभी को, चलिए नोट कर लीजिए।